गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ, कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आज हम सभी इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर में फर्स्ट लेसन द टर्म्स ऑफ सर्जरी, जो कि लिखा गया है मिस्टर जेम्स हैरियट के द्वारा, के पार्ट 5 का अध्ययन करेंगे। अतः आप अपनी किताब पर गौर फरमाइएगा, देखिएगा कि देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एक्स इन द मॉर्निंग इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरी राउंड द फायर विद द ब्रांडी। प्यारे बच्चों, जब मिसेस पम्फ्री को ये समाचार मिलता है कि ट्रिकी का स्वास्थ्य ठीक है, वह ट्रिकी के हेल्थ के डेवलपमेंट के लिए अंडे भेजने लगती हैं, वाइन भेजने लगती हैं और अंत में उन्होंने ब्रांडी भी भेजा। वास्तव में ये सारी चीज़ें लेखक मिस्टर हैरियट और उनके साथियों के लिए बड़ा ही शुभ दिन था, क्योंकि वो प्रत्येक नाश्ते के बाद दो दो अंडे लेते थे, वाइन लेते थे और ब्रांडी का सेवन करते थे। वास्तव में ऐसे ही किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में गेस्ट के रूप में पा लेना सौभाग्य की बात होती है। देवर डे ऑफ डीप कंटेस्ट, मिस्टर हैरियट कहते हैं दे माने वे, जब ट्रिकी मेरे अस्पताल में था, वर डेज दिन थे आप डीप गहरे कंटेंट माने संतुष्टि के, बड़े ही संतुष्टि के दिन थे जब ट्रिकी मेरे हॉस्पिटल में अपने स्वास्थ्य को पूर्ण करने के लिए आया था। स्टार्टिंग माने प्रारंभ हो गया था, वेल माने अच्छी तरीके से, विद द एक्स्ट्रा एग अतिरिक्त अंडे मिलते थे इन द मॉर्निंग माने सुबह सुबह, सुबह सुबह अतिरिक्त अंडे मिलने प्रारंभ हो गए थे। कहने का मतलब है कि सुबह सुबह हम लोगों को नाश्ते में अतिरिक्त अंडे भी मिल जाया करते थे। कितने अच्छे दिन थे, कितने बढ़िया दिन थे, कहने की क्या बात है। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड, बेटा इम्प्रूव्ड माने स्वास्थ्य को सुधारने वाली, सस्टेन्ड माने समर्पित बाय द मिड दे दोपहर को, वाइन माने शराब, दोपहर को समर्थित और स्वास्थ्य को प्रदान करने वाली मदिरा भी मिल जाती थी। सुबह सुबह अंडे मिलता था, दोपहर के समय मदिरा मिलती थी जो इम्प्रूव्ड थी और सस्टेन्ड थी। फाइनिशिंग राउंड लग्जरीज, फाइनिशिंग माने व्यतीत होता था, लग्जरी माने विलासिता के साथ, राउंड माने चारों तरफ, द फायर माने आग के, विद द ब्रांडी और शाम के समय आग के चारों तरफ बैठ करके हम लोग ब्रांडी को पीते हुए विलासिता का आनंद लेते थे। गजब के दिन थे, आग के चारों ओर बैठ करके विलासिता के साथ ब्रांडी का आनंद लेते थे। इट वॉज ए टेम्पटेशन, एक लालच थी, टू कीप रखना ट्रिकी को, एंड एज ए परमानेंट माने अस्थाई गेस्ट माने अतिथि। अब तो पूरे अस्पताल के सभी कर्मियों को एक लालच सी हो गई कि यदि ट्रिकी अस्पताल में एक अस्थाई अतिथि के रूप में रहेगा तो विलासिता के दिन हमारे साथ होंगे, हमारे दिन में चार चांद लग जाएंगे, हमें किसी प्रकार के खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। इट वॉज द टेम्पटेशन, ए लालच थी टू कीप रखने का ट्रिकी को,
आए आन एज ए परमानेंट गेस्ट, एक अस्थाई अतिथि के रूप में, अर्थात मिस्टर हैरियट को भी, उनके साथियों को भी ये लालच थी कि ट्रिकी को एक अस्थाई गेस्ट के रूप में रखा जाए। बट आई नो, हैरियट कहते हैं, लेकिन मैं जानता था, मिसेस पम्फ्रे वाज सफरिंग, मिसेस पम्फ्रे सफरिंग, परेशान होंगी। क्लियर हो रहा है? मिसेस पम्फ्रे परेशान होगी, लेकिन हैरियट को ये तथ्य विदित था कि मिसेस पम्फ्रे वाज द मिस्ट्रेस ऑफ द ट्रिकी वाज सफरिंग, वो परेशान होंगी। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, आफ्टर माने बाद, बेटा फोर्टनाइट माने पखवारा, एक पखवारे के बाद, फेल्ट कंपेल्ट, फेल्ट माने महसूस करना, कंपेल्ट माने मजबूर, मैं मजबूरी को महसूस किया टू फोन करने के लिए, मैं मिसेस पम्फ्रे को फ़ोन करने के लिए एक मजबूरी महसूस किया और फ़ोन करके कहा, टेल हर, उनसे कहा दैट कि लिटिल डॉग, छोटा कुत्ता, हैड रिकवर्ड माने स्वास्थ्य को पूर्ण कर चुका है, अर्थात स्वस्थ हो चुका है। भैया एक पखवाड़ा बीतने के बाद मिस्टर हैरियट एकदम मजबूर हो जाते हैं और सूचना देते हैं मिसेस पम्फ्रे को फ़ोन करके कि छोटा कुत्ता बिल्कुल ठीक है एंड वाज अवेटिंग, प्रतीक्षा में है कलेक्शन माने ले जाने के लिए, और अब आप ले जा सकती हैं। विद इन मिनट्स, कुछ मिनट के अंदर, अबाउट 30 feet, लगभग 30 feet, एक ग्लीमिंग माने चमकती हुई ब्लैक मेटल, काली धातु की गाड़ी ड्रिव अप खींच करके आ गई आउटसाइड द सर्जरी, सर्जरी के बाहर। बेटा कुछ मिनटों के अंदर ही एक 30 feet लंबी चमकती हुई काली काली धातु की गाड़ी सर्जरी के बाहर आ गई। द सैफर, यहाँ पर बेटा सैफर का अर्थ है ड्राइवर से, ओपेंड द डोर, जो ड्राइवर था उसने दरवाजे को खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट, आई मैं कुड सका, जस्ट मेक आउट माने पहचानना, द फिगर माने व्यक्तित्व, आप मिसेस पम्फ्रे, मिसेस पम्फ्रे को ऑलमोस्ट मुख्य रूप से, लास्ट माने खोई हुई थी, इन द इंटीरियर माने अंदर, उस कार के अंदर बैठी हुई मिसेस पम्फ्रे जो अपनी कल्पनाओं में खोई हुई थी, मैं उन्हें बड़ी मुश्किल से पहचान पाया। आई कुड, मैं सका, जस्ट मेक आउट माने ना पहचानना, मैं पहचान नहीं सका, द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे, मिसेस पम्फ्रे को ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, जो कार के अंदर एकदम खोई हुई अवस्था में बैठी हुई थी। हर हैंड्स, उनके हाथ, वाज टाइटली माने सख्ती से, क्लैप्स माने फंसे हुए थे, इन फ्रंट ऑफ हर, उनके सामने, उनके हाथ बड़े सख्ती से एक दूसरे में उनके सामने बंधे हुए थे। हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके होंठ कांप रहे थे। उन्होंने कहा, ओ मिस्टर हैरियट, हे मिस्टर हैरियट, डू टेल मी ट्रूथ, क्या आपने मुझे सही बताया, इज ही रियली बेटर, क्या वह वास्तव में ठीक है। हाथ सख्ती से बांधे हुए थे और उस पम्फ्रे ने चिंतित स्वर में कहा कि मिस्टर हैरियट, क्या आपने मुझे सही सही बताया था, इज ही रियली बेटर, क्या वास्तव में ठीक है। तो मिस्टर हैरियट कहते, यस ही इज फाइन, वह बिल्कुल ठीक है, देयर्स नो नीड फॉर यू, आपको कोई ज़रूरत नहीं टू गेट आउट, बाहर आने की, आप द कार, कार से, मिसेस पम्फ्रे, आपको कार से बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई विल गो, मैं जाऊँगा एंड फेच हिम, और उसे लेकर के आऊँगा, मैं जाऊँगा और उसको लेकर के आऊँगा, आपको कार से नीचे उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई वॉक्ड, मैं गया थ्रो होकर के द हाउस, घर से, इन टू द गार्डन, बगीचे में। मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैं अपने घर से होकर के, घर के रास्ते से होकर के, मैं बगीचे में गया। ए मिस ऑफ डॉग, कुत्तों का एक समूह, वाज हर्टिंग राउंड एंड राउंड, हर्टिंग माने दौड़ कर रहा था, चहलकदमी कर रहा, हर्ट माने चोट पहुँचाना होता बेटा, चहलकदमी कर रहा था,
राउंड राउंड चारों तरफ द लॉन, लॉन की लॉन में चारों तरफ एक कुत्तों का समूह दौड़ रहा था, अर्थात वहां की वस्तुओं को हर्ट कर रहा था। ए मैश ऑफ डॉग, कुत्तों का समूह वाज हर्टलिंग दौड़ रहा था राउंड राउंड चारों तरफ द लॉन, लॉन में, एंड इन दियर मिडिस्ट, और उनके मध्य में, ईयर्स फ्लैपिंग कान को फड़फड़ाने वाला, टेल वेविंग पूंछ को हिलाने वाला, वाज था द लिटिल गोल्डन फिगर, छोटा सुनहरा आकार ऑफ ट्रिकी ट्रिकी का, उन्हीं कुत्तों के मध्य में वह कुत्ता था जो अपने कानों को फड़फड़ाता था, जो अपने पूंछ को हिलाता था, जिसका फिगर एकदम गोल्डन था। वह ट्रिकी उन्हीं कुत्तों के मध्य में भी चहलकदमी कर रहा था, दौड़ रहा था। इन टू वीक्स, दो सप्ताह में, ही हैड बीन ट्रांसफर्ड, उसने बदल लिया था, इंटू ए लीत हार्ड मास्कुलस एनिमल। बेटा दो सप्ताह की अगर बात किया जाए तो दो सप्ताह के अंदर उस कुत्ते ने अपने आप को बदल डाला था इंटू द लीत, लीत माने लचकदार प्राणी के रूप में, एंड हार्ड माने कठोर, मास्कुलेट माने मांसपेशी वाले, एनिमल माने जानवर में। दो सप्ताह के अंदर कुत्तों के बीच में रह करके, दौड़ करके, चहलकदमी करके उस ट्रिकी ने अपने आप को एक लचकदार और कठोर मांसपेशी वाले प्राणी में बदल चुका था। ही वाज कीपिंग अप वेल विद द पैक, ही माने वह, वाज कीपिंग अप वेल, वह अच्छी तरीके से, कीपिंग अप माने घुल गया था, विद द पैक माने झुंड, इस समय तो वह कुत्तों के झुंड के साथ अच्छी तरीके से घुल मिल गया था। जो भी बेटा कुत्ते थे, साथी थे, उन्हीं झुंड में वो अच्छी तरीके से घुल मिल गया था। स्ट्रेचिंग आउट माने फैला देता था, इन ग्रेट बाउंड, बाउंड माने नीचे तक, अब तो वो अपने शरीर को एकदम नीचे तक फैला देता था। हिज चेस्ट, उसका सीना ऑलमोस्ट मुख्य रूप से, वर्सिंग माने टच कर जाता था, ग्राउंड माने जमीन को, अब तो वह जमीन पर अपने आप को इस प्रकार से फैला देता था कि उसका सीना मुख्य रूप से जमीन पर टच कर जाता था। आई कैरीड, मैं ले आया हिम, उसे बैक माने वापस, एलॉन्ग द पैसेज माने गलियारे से, इन फ्रंट ऑफ द हाउस घर के सामने, टू द फ्रंट ऑफ द हाउस घर के सामने के गलियारे से मैं उसे वापस ले करके आया। हैरियट कहते हैं कि घर के सामने जो गलियारा था उसी गलियारे से मैं लेकर के उसे वापस आया। द शेफर, जो शेफर था, जो ड्राइवर था, वाज स्टिल अब भी होल्डिंग पकड़े हुए था, द कार डोर कार के दरवाजे को, ओपन माने खोल करके, अब भी शेफर कार के दरवाजे को खोल करके पकड़े हुए था। वेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्री, जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, वेन जब ट्रिकी सा देखा हिज मिस्ट्री, अपनी मालकिन को, ही टुक ऑफ, वह कूद पड़ा, फ्रॉम माई आर्म मेरी गोंद से, वह मेरी गोंद से कूद पड़ा, इन ए ट्रमेंडियस लैप, ट्रमेंडियस माने विशाल काय, लैप माने छलांग, एक बड़ी सी छलांग लगा करके वह मेरी गोंद से कूद पड़ा। जैसे ही ट्रिकी अपनी मालकिन मिसेस पंपरे को देखा, एक बड़ी सी छलांग लगा करके वह मेरी गोंद से कूद पड़ा, एंड सेल्ड माने तैरने लगा, इनटू मिसेस पंपरे लैप, मिसेस पंपरे की गोंद में जाकर के मिस्टर पंपरे की गोंद में तैरने लगा। सी वाज स्टार्टलेड, ओ सी माने उन्होंने, वाह, सॉरी सी माने वाह, अर्थात मिसेस पंपरे गिब माने दिया, स्टार्टलेड माने चौक जाना, वो चौक के कहती ओ, एंड देन तब हैड टू डिफेंड माने सुरक्षा करनी पड़ी, हर सेल्फ माने अपने आप को, तब उन्हें अपने आप की सुरक्षा करनी पड़ी क्योंकि ट्रिकी उनके साथ प्यार दुलार इस प्रकार से कर रहा था कि मिसेस पंपरे को अपने आप को बचाना पड़ा। ही सार्म्ड ओवर हिम, ही माने वह, अर्थात कुत्ता, स्वार्म माने मडरा रहा था ओवर हिम, उनके ऊपर, वह उनके ऊपर मडरा रहा था, कूद रहा था।
लिकिंग माने चाट रहा था हर फेस उनके चेहरे को एंड बार्किंग माने भौंक रहा था वह छोटा सा नन्ना सा प्राणी जो मिसेस पंपरे के प्राणों से प्यारा था वह उनके ऊपर मंडरा रहा था उनके चेहरे को चाट रहा था और भौंक रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट इस उत्तेजना के दौरान आई हेल्प मैंने सहायता किया द सोफर माने ड्राइवर की। बेटा ये बड़ा ही उत्तेजना के पल थे और इस उत्तेजना के पल के दौरान मिस्टर हैरियट ने ड्राइवर की सहायता किया टू ब्रिंग माने लाने के लिए आउट बाहर बेड्स माने बिस्तर टॉयस खिलौने कुशन गद्दे कोट्स कोट्स बाउल्स कटोरे। बड़े ही उत्तेजना के पल थे और इसी उत्तेजना के पल के समय मिस्टर हैरियट ने शोफर की सहायता किया उस कुत्ते का बिस्तर लाने में खिलौने लाने में गद्दे लाने में कोट लाने में और कटोरे लाने में। आपको एक तथ्य क्लियर होना चाहिए नन आप विच हैड बीन यूज्ड नन माने कुछ भी नहीं आप विच माने जिसमें से हैड बीन यूज्ड माने प्रयोग में लाया गया था उनमें से कोई भी चीज प्रयोग में नहीं लाई गई थी। एज द कार मूव्ड अवे जब कार चल पड़ी मिसेस पंपरे लेंड आउट लेंड माने झुक करके आउट माने बाहर देखा आप द विंडो माने खिड़की से। जब कार चल पड़ी मिसेस पंपरे झुक करके खिड़की से बाहर देखा टीयर्स आंसू सोन माने चमक रहे थे इन हर आइस उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे हर लिप्स ट्रैम्बल्ड उनके होंठ कांप रहे थे। और उन्होंने कहा ओ मिस्टर हैरियट अरे मिस्टर हैरियट ही क्राइड वा चिल्लाई हाउ कैन आई एवर थैंक यू हाउ माने कैसे आई माने मैं एवर थैंक यू आपको धन्यवाद देना मैं आपको कैसे धन्यवाद दे सकती हूँ लेकिन ये कह सकती हूँ दिस इज ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी यह शल्य चिकित्सा की जीत है जब कार चल पड़ी तो मिस्टर हैरियट ने देखा कि उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे उनके होंठ कांप रहे थे। उन्होंने कहा ओ मिस्टर हैरियट हे मिस्टर हैरियट सी क्राइड वा चिल्लाई हाउ कैन आई एवर थैंक यू मैं आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं लेकिन ये कहूंगी दिस इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी यह सर्जरी की जीत है या शल्य चिकित्सा की जीत है। तो प्यारे बच्चों आपने निष्कर्षता देखा कि दिस इज द ट्रम्प्स ऑफ सर्जरी। निष्कर्षता देखा कि ट्रिकी अपने स्वास्थ्य को पूर्ण कर गया और वह अपनी मालकिन के साथ गया। तो प्यारे बच्चों अगर कोई प्राणी अपने अनुकूल वातावरण को प्राप्त कर लेता है तो उसकी बीमारियां दूर हो जाती हैं और उसे स्वास्थ्य लाभ होता है और सुरक्षित हो जाता है। बेटा ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम किसी अन्य लेसन को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।